हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। दिस इज हिमानी मलिक और आप सभी का स्वागत है खुशखबरी के साथ। यानी कि जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, जो आपका बहुत डिले होकर रिजल्ट आपके सामने अब आ रहा है, वो है आपका यूपी टेट का रिजल्ट। हाँ जी बिल्कुल, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत देर से आए लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और ऐसी शुभकामनाओं के साथ अब अपना रिजल्ट खोलिएगा और मैं जानती हूँ आपकी मेहनत ज़रूर सफल रही होगी। तो आप सभी ने अगर चेक नहीं किया तो कैसे चेक करना है, किस वेबसाइट से आपको रिजल्ट डाउनलोड करना होगा, कैसे आप चेक करेंगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें या जानकारी मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो जल्दी से एक बार देख लेंगे फटाफट से, ताकि आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएं। और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, ताकि अब एक सीढ़ी पार हो जाती है तो दूसरी सीढ़ी पे इंसान फोकस करने लगता है। जैसे आपने ये पड़ाव पार किया है, जिस हिम्मत के साथ, जिस लगन के साथ, जिस मेहनत के साथ, तो आई होप कि आप नेक्स्ट पड़ाव भी या सुपर टेट का या आने वाले जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से क्रैक कर पाए। ठीक है जी, तो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है बात, किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। तो जो यूपी टेट रिजल्ट 2022, किस तरीके से आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, इस बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ। अपने दोस्तों तक, अपने परिवार या जिन्होंने भी एग्जाम दिया था, उन सभी तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन तक ये सारी चीजें पहुंचे और एक वो भी अपना रिजल्ट चेक कर पाए और वो जो खुशी है वो हम सबके साथ बांट पाए। तो मैं आपको यही बता रही हूँ, जल्दी से हम क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल फोन में या लैपटॉप में, कोशिश करिएगा लैपटॉप या पीसी से खोलने की कोशिश कर रहे हैं अपने रिजल्ट को, थोड़ा इजीली हो जाता है क्योंकि सर्वर भी डाउन चल रहा है, फिलहाल भी डाउन चल रहा है। अभी मैं रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रही थी एक स्टूडेंट का, वो अभी एरर ही दिखा रहा है उस पर, बट स्टिल ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल क्या खोलना है भाई, गूगल क्रोम खोलना है और कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। ये आपने खोला, खोलने के बाद आपकी जो टैब खुला है, विंडो खुला, उस पर आप क्या लिखेंगे, यूपी डीएलएड, updlet.government.in, इस पर आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। यहां आपको सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है https://updlet.government.in, तो ये आप खोल लेंगे बिल्कुल आसानी से। देखो सारे, आपको सारी चीजें नजर आ रही होंगी, बहुत इजी है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो अभी एरर दिखा रहा है ना, तो ये एरर अपने आप ठीक हो जाएगा। एक दो घंटे का आप वेट करेंगे, आपका ठीक हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसे ही चेक करना है, आपको सिंपली क्या लिखना है, updlet.government.in, अपने आप आ जाएगा, आपको उस पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट वाली मिलेगी, पढ़ भी लीजिएगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। सर्वर डाउन दिखाई रहा है बट वो ओपन हो जाएगा। आप अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो मांग रहा है उसको आप डालेंगे तो आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। फोन में डाउनलोड रखिएगा, उसको आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और याद रखें कि जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था वो कितने पे क्वालिफाई कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उसमें बड़ा झंझट रहता है। तो आप समझ लीजिएगा कि आपके अगर 90 मार्क्स हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपका क्या रहेगा भाई, पास हैं आप, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि शायद उतने तैयार नहीं हैं आप, तो ये याद रखिएगा। अगर आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं या फिर ऐसा कोई भी आपका SC ST OBC या कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी से, तो आप 82 पे पास हो जाते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में होती नहीं, ऑलरेडी आप देकर आए एग्जाम, तो आपको क्लियर हैं चीज़ें। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आपको, जिनका भी क्लियर होने हुआ है, वो रिजल्ट ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सिंपल सा एक प्रोसेस रहता है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना रिजल्ट। तो बहुत सारी आपको शुभकामनाएं और ये राह ही अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे रास्ते खूबसूरत होने चाहिए, मंजिल हमारी खुद खूबसूरत होगी। तो ज़रूर बिल्कुल फिक्र ना करिएगा। जिन लोगों का किसी भी कारणवश रह जाए एक या दो नंबर से, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि शायद अगर आप 82 पे पास हो रहे थे या 90 पे पास हो रहे थे, अगर इनकेस आप एक दो नंबर से रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शायद आपकी किस्मत आपको बहुत आगे लेके जाना चाहती है और अगली बार आपके 135 प्लस या 130 प्लस कुछ ऐसा स्कोर आप कर सकते हैं इजीली, अगर आप अभी से मेहनत स्टार्ट करोगे और अपने आप को जो
मुश्किल समय में समेट लेता है, वो आधी जंग वही जीत लेता है। याद रखिएगा कि तू सागर है, तू समंदर है, सारी ताकत तेरे अंदर है, ठीक है। और जब जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे, क्रिटिसिज्म हमेशा मिलेगा, लेकिन उससे दूर रहना है। और याद रखना है कि चाहेगा जब तू अपनी तकदीर बनाना, तब हंसेगा तुझ पर ये जमाना। नेगेटिव बातों को दिल से ना लगाना, मेहनत करना और एक अच्छी सी तस्वीर बनाना। तो धन्यवाद आप सभी का, बाय बाय, टेक केयर। रात को 8 बजे क्लास में मिलेंगे, और तब जल्दी से आपके साथ आपकी खुशी जो है वो सेलिब्रेट साथ में मिलकर करेंगे। तो आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए और तसल्ली रखिए, है ना, हो जाएगा। वो सर्वर डाउन चल रहा है, वो हो जाता है, क्योंकि अभी रिजल्ट आया, सारे लोग लगे पड़े होंगे, ठीक है। तो आप 1-2 घंटा वेट करेंगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा। कोशिश करिए पीसी से, लैपटॉप से, किसी से करने की, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है, फोन से भी हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। चलिएगा, ध्यान रखें अपना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, क्योंकि रात 8 बजे भी क्लास चल रही है, वो क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री है। जो क्या है, बिल्कुल फ्री है। फ्री एक बैच चल रहा है, फ्री बैच चल रहे हैं दो। एक आपका क्या चल रहा है, एक आपका 8 AM हिंदी की क्लास होती है, ठीक है, 8 AM हिंदी की क्लास होती है, 4 PM आपकी संस्कृत की क्लास होती है, 8 PM आपकी CDB की क्लास होती है। तीनों क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल फ्री, फ्री और फ्री। और कंटेंट के बैचेस चल रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप टीचिंग की तैयारी से जुड़े हुए हैं या स्टूडेंट हैं, तो अभी सफ़र में हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई पेड बैच नहीं है, सारे ही फ्री हैं। यूट्यूब पे बैचेस चल रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।